हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सलवार की प्रॉपर कटिंग के बारे में बताएंगे। क्या क्या मेजरमेंट लेना है, सलवार की पूरी लंबाई, फिर बॉटम, कोई इसको पौचा भी बोलता है, कमर पट्टी कितनी होनी चाहिए और कमर पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और सीट का क्या मेथड, वो सब कुछ इस वीडियो में आज मैं बताऊँगी। सबसे पहले पूरी लंबाई जो है उसमें 7 माइनस कीजिए। ये 7 क्या है, बेल्ट है, लोग बेल्ट बाद में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे की कटिंग होती है, ये वाली कटिंग मान के आप चलिए, यहाँ से ये वाली कटिंग ये 29 होनी चाहिए। और फिर बॉटम जितना भी आ रहा है डिवाइड बाय 2, सब कस्टमर का अपना अपना चॉइस है। अगर कस्टमर कह रहा है कि हमको 14 तैयार चाहिए तो हम प्लस डिवाइड बाय 2 करके 7 हो गया। सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 8 8.5। और कमर पट्टी जो जो सूट का हिप होता है वही सलवार का कमर बनता है, उसमें आप +10 भी कर सकते हो, +8 भी कर सकते हो, तो जितना भी आ रहा है। जैसे हमारा 40 है, +10 की 50 आ गया। और कमर पट्टी की चौड़ाई जो है 7 हमको तैयार चाहिए, इसलिए +2 कर लेंगे। हमको तैयार चाहिए 2 इंच, इसमें हम प्लस कर लिए 1.5 इंच ऊपर जिसमें नाड़ा घुसाएंगे नेफा के लिए, और 1/2 इंच नीचे सिलाई के लिए। तो ये बराबर 7 बन के तैयार होगा अगर 9 कटिंग करोगे। और सीट की लंबाई के लिए हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितना आना चाहिए, तो उसका सिंपल सा मेथड है, सूट का जो हिप है, या सलवार में भी आप हिप मेजरमेंट किए हो तो हिप डिवाइड बाई 3 +2 इंच। अगर 40 है तो 3 से डिवाइड किए तो 13 पॉइंट कुछ, +2 इंच किए तो 15 पॉइंट। और उसका और यहाँ से यहाँ जो इसकी कटिंग होती है उसका क्या मेथड है, 15 -7, माइनस ही क्या है, ये बेल्ट है, फिर +1 करके हम लोग 9। तो हम लोग ये वाली जो हमारी सीट नीचे के लिए कट कर रहे हो बेल्ट छोड़ के, वो 9 आनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए।